और यहाँ पर देखिए खतौली से एक बड़ी खबर, राजकुमारी सैनी पीछे है मदन भैया 6025 वोटों से आगे चल रहे हैं। खतौली में चौथे राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है, ये खतौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया लगातार आगे चल रहे हैं। आकांक्षा का सीधे रुख करेंगे खतौली से, मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो से पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रही है। आकांक्षा, मदन भैया आगे चल रहे हैं आरएलडी के लिए, वाकई में एक बहुत बड़ी खबर और अच्छी खबर है जो सामने आ रही है। तस्वीर फिलहाल वहां पर आप कैसी देख पा रही है? बिल्कुल मोनिका, इस वक्त एक अच्छी खबर यहां से आरएलडी के लिए ही नजर आ रही है। और यहां पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अभी जिलाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। काउंटिंग एक तरफ चल रही है और अभी 3 राउंड जो पूरे हैं काउंटिंग के वो हुए हैं अभी। हालांकि इंतजार अब चौथे राउंड का हो रहा है। शुरुआती जो राउंड की अगर काउंटिंग की हम बात करें तो शुरुआती राउंड में आरएलडी के लिए एक अच्छी खबर यहाँ से दिख रही है। राजकुमारी सैनी बेहद ही निराश नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वो अभी जो आने वाला वक्त है अगले से 1 से 2 घंटा जो परिणाम है शायद वो इस बात को भी भांप रही है। लेकिन एक जरूर बात यहाँ पर कहनी होगी कि देखिए आकांक्षा, आकांक्षा अभी अभी क्योंकि जब भी वोटिंग जब भी नतीजे आते हैं तो आकांक्षा ये होता है कि पहले किस इलाके की काउंटिंग हो रही है, तो ये गढ़ अभी किसका है? क्या आरएलडी वालों का गढ़ है, वहां काउंटिंग हो रही है, अभी बीजेपी के भी कुछ बूथों की काउंटिंग हो चुकी है? क्योंकि एक गढ़ बटा होता है कि देखिए ये अभी बीजेपी के बूथ आएंगे, यहाँ बीजेपी का दबदबा, यहाँ आरएलडी का दबदबा, अभी से ये स्थिति साफ हो पाई? अभी जेपी इस तरह की चीजें तो क्लियर नहीं हो पाई है कि किस वे में काउंटिंग हो रही है, जिसका आपने जिक्र किया कि बीजेपी की पोलिंग बूथ की बात की जाए या फिर आरएलडी के पोलिंग बूथ की बात की जाए। अभी यहां पर जो रुझान शुरुआती है क्योंकि 27 राउंड की काउंटिंग है टोटल, अभी एक के बाद एक राउंड की जो काउंटिंग की जानकारी है वो सामने आ रही है। ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी ऐसा नहीं है कि शुरुआत में जो राउंड की काउंटिंग चल रही है वो आरएलडी के हो या फिर बीजेपी के गढ़ वाले हो, ऐसा नहीं है। यहाँ सभी जो पोलिंग बूथ से सभी जो राउंड की काउंटिंग है इस वक्त एक के बाद एक हो रही है। तो अभी शुरुआती यही जानकारी है कि 4800 से ज्यादा वोटों से इस वक्त मदन भैया आगे चल रहे हैं। जो वादे उन्होंने जनता से किए खतौली की जनता से, कहीं ना कहीं खतौली की जनता इस बार विश्वास उन पर जताती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा जयंत चौधरी को कि किस तरह से वो बार बार चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच गए, डोर टू डोर कैंपेन किया, कोशिश उनकी रही कि ज्यादा से ज्यादा जनता को कहते हुए कि हम किसानों के हित में फैसले लेंगे, किसानों के हितैषी वो खुद को बताते हैं। और एक बात और भी गौर करने वाली जेपी यहाँ पर ये है कि ये जो खतौली वाला एरिया, इससे पहले आपने देखा 2012 में सपा आरएलडी गठबंधन से ये प्रत्याशी यहाँ पर जीता, तो 24 साल बाद 2017 में बीजेपी की यहाँ से जीत हुई, फिर 2022 में बीजेपी की जीत हुई। लेकिन विक्रम सैनी कहीं ना कहीं उनके प्रति नाराजगी लोगों के जहन में ये एक बिल्कुल आकांक्षा रोकेंगे, आपको रोकेंगे रामपुर से।